बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपनी तीसरी पोएम द विलेज सॉन्ग लेंगे और आज उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग अपने नोटबुक्स ले लें, पेन ले लें और मेरे साथ लिखते चलें। मैं आपको बोलता हूँ और आप लिखें। इसमें पहले कंप्रिहेंशन आएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें दो क्वेश्चन आएंगे आपको स्टेंजा बेस्ड, जो दो दो नंबर के होंगे, और तीसरा क्वेश्चन आपको आएगा, या तो उसका सेंट्रल आइडिया लिखेंगे या अपनी टेक्स्ट बुक में से किसी भी पोएम की चार लाइन लिखेंगे, लेकिन वो पोएम आपके पेपर में ना आई हो। तो पहले हम कंप्रिहेंशन लेते हैं। स्टेंजा वन, स्टार्टिंग वर्ड्स आर हनी चाइल्ड डॉट डॉट डॉट, लास्ट वर्ड्स आर टू एड यू। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टेंजा हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ दिस पोएम। आंसर, द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टेंजा हैज बीन टेकन इज द विलेज सॉन्ग एंड द पोएटेस ऑफ दिस पोएम इज सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर टू, विच सेरेमनी इज अबाउट टू बिगिन इन द अबव स्टेंजा। आंसर, इन द अबव स्टेंजा द वेडिंग सेरेमनी इज अबाउट टू बिगिन। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट द गर्ल्स मदर ड्रॉज हर अटेंशन फॉर। आंसर, द गर्ल्स मदर ड्रॉज हर अटेंशन टू दैट द ब्राइडग्रूम इज कमिंग ऑन हॉर्स बैक टू मैरी हर। क्वेश्चन नंबर फोर, पॉइंट आउट द रिमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टेंजा। आंसर, द रिमिंग वर्ड्स आर गोइंग एंड ब्लोइंग और यू एंड यू। स्टेंजा टू स्टार्ट, स्टार्टिंग वर्ड्स आर मदर माइन एंड द लास्ट वर्ड्स आर ओ लिसन। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट डिड द डॉटर टेल्स हर मदर। आंसर, द गर्ल टेल्स हर मदर दैट शी इज गोइंग टू द फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डज द गर्ल वांट टू गो टू द फॉरेस्ट। आंसर, शी वांट्स टू गो टू द फॉरेस्ट बिकॉज द वॉइसेज ऑफ द फॉरेस्ट कॉलिंग हर। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु इज कॉलिंग द गर्ल। आंसर, द वॉइसेज ऑफ द फेयर फॉक्स एंड द फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, Where are the champa birds blowing? Answer, the champa birds are blowing on the branches of champa. Stanza 3. Starting words are honey child dot. Last words are you going? Question number 1. What does the mother remind of the girl? Answer, the mother reminds the girl of the bridal songs, cradle songs and sandal scented leisure. Question number 2, where are the bridal robes? Answer, the bridal robes are getting ready at the loom. Question number 3, what are the colors of the bridal robe? Answer, the colors of the bridal robe are silver and saffron. Question number 4, point out the rhyming words in the above stanza. Answer, the rhyming words are pleasure and leisure or glowing and going. Stanza 4, starting words are the bridal song, last words are calling. Question number 1, what type of cadences do the bridal songs and cradle songs have? Answer, the bridal songs and cradle songs have the cadences of sorrow. Question number 2, why the girl is leaving the home? Answer, the girl is leaving the home because the voices of forest and fairy fox are calling her. Question number 3, why can
the girl not stay? Answer: she cannot stay because the fairy fox are calling her, and the voices of forest are sweeter than the cradle songs and bridal songs. ये हमारे चारों स्टेंजेस पूरे हो चुके हैं. अब हमारा एप्रिसिएशन शुरू होता है. एप्रिसिएशन में पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. तो उसे हम लिखते हैं. आंसर: द पोएम द विलेज सॉन्ग इज कंपोज्ड बाय सरोजिनी नायडू. इन दिस पोएम द पोएटेस हैज एक्सप्रेस्ड हर लव फॉर नेचर. In this poem, the girl wants to go to the forest because she loves the nature. Her mother tries to prevent her from doing so. She gave the reference of pleasure of the worldly life, her lover and her love for her girl. But the girl said that all the worldly things are illusions. So she is going to the forest. Question number 2. What does the poetess want to tell us? Answer: the poetess wants to tell us that the material pleasure is fake. One day this has to be changed in sorrow. The pleasure of nature is real, so we should live with the nature. तो ये हमारी एक्सरसाइज थी तीसरी पोएम की, जो पूरी हो गई है. आपने पूरी कर ली होगी. अगली क्लास तक के लिए बाय एंड थैंक यू.